दोस्तों, एक इंडियन आर्मी होने के नाते या फिर एक इंटरनेशनल आर्मी होने के नाते बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आता है कि BTS के मेंबर यानी किम तेयोंग क्या किसी इंडियन लड़की से शादी करेंगे या फिर दोस्तों क्या किसी इंटरनेशनल लड़की से शादी करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको इस बारे में बताऊँगी, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिए। और दोस्तों, अगर इंस्टाग्राम पर अभी तक आपने हमें फॉलो नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ही दिया हुआ है। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग मुझसे इंस्टाग्राम पे ये सवाल करते रहते हैं कि क्या वी या फिर कोई भी BTS का मेंबर क्या किसी इंटरनेशनल लड़की से शादी करना पसंद करेगा। और दोस्तों, इस टॉपिक पर मैं जिमिन के बारे में ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो को नहीं देखा है तो उसे जाकर ज़रूर देख लीजिए। दोस्तों, बात करें किम तेयोंग की, तो हम सभी जानते हैं कि उनके आइडियल टाइप किस टाइप की हैं। जैसे कि उन्होंने खुद ही बताया था कि वो चाहते हैं कि उनकी आइडियल टाइप ऐसी लड़की हो जो उन्हें ज़्यादा पैसे खर्च करने से रोके, उन्हें काफ़ी प्यार करे और सबसे इम्पॉर्टेंट, उनके पेरेंट्स की काफ़ी रिस्पेक्ट करे और उनका जो कोरियन कल्चर है उसके बारे में बहुत ही अच्छे से जानती हो। मतलब वो एक ऐसी लड़की चाहते हैं जो उनके कल्चर को काफ़ी रिस्पेक्ट करती हो, इसके साथ उसे खाना अच्छा बनाना आता हो और सबसे मेन बात कि वो वी के पेरेंट्स को अपने पेरेंट्स समझे और हमेशा वी का ध्यान रखे और उन्हें सही बात सिखाए। दोस्तों, उन्होंने कभी भी ऐसा तो नहीं कहा कि वो एक कोरियन लड़की से ही शादी करेंगे, लेकिन उन्होंने कभी भी ऐसा भी नहीं कहा है कि वो किसी फॉरेन से शादी करेंगे या फॉरेनर से शादी करेंगे। दोस्तों, मेन पॉइंट जो वी ने हमेशा बोला, जब उनसे ये सवाल किया गया कि क्या वो किसी इंटरनेशनल लड़की को डेट करेंगे, तो दोस्तों वी ने बताया कि अगर वो लड़की उनके पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करती होगी और उनसे सच्चा प्यार करती होगी और सबसे मेन बात, अगर वो लड़की कोरियन लैंग्वेज में फ्लुएंट होगी, तो वी उसे डेट करने के बारे में ज़रूर सोचेंगे। यानी दोस्तों, अगर कोई भी लड़की है उसको कोरियन लैंग्वेज बहुत ही अच्छे से आनी चाहिए। अगर उसको कोरियन लैंग्वेज नहीं आती है तो उसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं कि वी उसे डेट करेंगे या उससे शादी करेंगे। दोस्तों, इसके साथ साथ वी ने हमेशा कहा है कि उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आखिर उस लड़की का दिल कैसा है और क्या वो उनसे सच्चा प्यार करती है या फिर नहीं। तो ऐसे में शादी करने से पहले वो कभी भी उसका रिलीजन या फिर उसकी कंट्री नहीं देखेंगे। और दोस्तों, इसके साथ साथ ये बात भी साफ है कि अगर उनकी किस्मत में किसी इंडियन लड़की से शादी करना ही लिखा होगा तो वो किसी ना किसी तरह उनसे मिल ही जाएंगे। हालांकि दोस्तों, एक आइडियल लाइफ में अपनी आइडल से मिलना या फिर किसी को डेट करना वी के लिए काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि K-pop में ये चीज़ें अच्छी नहीं मानी जाती। और दोस्तों, बहुत बार वो ऐसा कह चुके हैं कि जब तक वो एक आइडल है तब तक तो वो डेटिंग के बारे में सोचना भी नहीं चाहते। हालांकि दोस्तों, इंटरनेट पे बहुत सारी रूमर्स ऐसी हैं जहां बताया जाता है कि वी की जो ग्रैंड मदर थी, जो अब इस दुनिया में नहीं रही है, उन्होंने वी से एक प्रॉमिस लिया था जहां पर उन्होंने वी से कहा था कि वो एक कोरियन लड़की से ही शादी करेंगे और बहुत ही अच्छी फैमिली बनाएंगे। लेकिन दोस्तों, इस बारे में कभी भी वी ने खुद नहीं बताया है और किसी भी ऑफिशियल सोर्स में इस प्रॉमिस के बारे में कोई भी बात नहीं करी गई है, इसीलिए कोई भी नहीं जानता कि वी ने कोई भी ऐसा प्रॉमिस करा था या फिर नहीं करा था। हालांकि दोस्तों, ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ तो यही है कि BTS के वी एक कोरियन लड़की से शादी करेंगे, क्योंकि यूजुअली जो भी हमारे आसपास होता है जल्दी हमें वही पसंद आता है। क्योंकि दोस्तों, इंडिया कोरिया से काफ़ी दूर है और अगर आप साउथ कोरिया में रहने जाते हैं तो फिर भी आपके काफ़ी चांसेस हैं, लेकिन इतनी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप शायद BTS मेंटेन नहीं कर पाएंगे। और दोस्तों, क्योंकि वो इतनी जगह जाते रहते हैं, इतने लोगों से मिलते रहते हैं, तो हो सकता है कि शायद उन्हें उसमें से कोई पसंद आ जाए। और सबसे मेन बात यह है कि वी अपने कल्चर से इतना ज़्यादा प्यार करते हैं कि शायद वो एक कोरियन लड़की से शादी करना ज़्यादा प्रेफर करेंगे। लेकिन हाँ, अगर उन्हें किसी इंडियन लड़की से प्यार हो जाएगा तो वो ज़रूर उसी से शादी करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बता दीजिए। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? जल्दी से नीचे दिख रहे रेड बटन और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और दोस्तों, जाते जाते हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो तो कर ही लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ही दिया हुआ है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।